How many numbers are from 300 to 650 which are completely divisible by both 5 and 7? 300 और 650 के बीच 5 और 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाने वाली संख्याएं कितनी हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो इस सवाल को हल कैसे करेंगे? तो आइए हम इस वीडियो में एक बहुत ही आसान और एक ऐसी ट्रिक जानेंगे जिससे इस सवाल को बड़ी जल्दी से हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको किस संख्या से विभाजित करना है, ठीक है। यानी सवाल को 300 और 650 के बीच 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है, यानी हमको विभाजित किससे करना है? 5 से विभाजित करना है और किससे करना है? 7 से। किसके बीच करना है? 300 और 650, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5 और 7 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों संख्याओं से हमको विभाजित करना है। तो हम 5 और 7 का हम कर लेंगे गुणा, 35 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 35 से हम 300 को भाग देंगे और 35 से ही हम 650 को भी भाग देंगे, ठीक। ये यहां पे भाग जाएगा 8 बार, शेष आएगा 20। और यहाँ पे हम भाग देंगे तो पहले एक बार जाना चाहिए, 35 0 3 0, हम यहाँ पे उतार लेंगे 0, 8 बार फिर से चला जाएगा, बस सेम यहाँ, तो 20 यानी 8। अब हम क्या करेंगे, जो ये भागफल आया है 35 से भाग देने पर 8 को भागफल आया है, और 35 से 650 से भाग देने पर जो 18 भागफल आया है, इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे। यानी हम क्या करेंगे, 18 माइनस 8 करेंगे, ठीक। इसका और इसका, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यानी अंतर कितना है, तो वो क्या है, 10 है। नाउ जो ये 10 है वही हमारा फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन लगा हमारा? सी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या किया है। हम सवाल को फिर से पढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर फ्रॉम 300 टू 650 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 7, यानी 300 और 650 के बीच 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाने वाली संख्याएं कितनी है, वो हमको निकालना है। तो हमने क्या किया कि हम जो संख्याओं से विभाजित करना था, यानी 5 और 7 का गुणा कर लेते हैं, उसके बाद हमने जो उत्तर आया यानी 35 से हम क्या करते हैं, 300 और 650 दोनों को 35 से हम भाग देते हैं। तो 35 से 300 में भाग देने पर कितना उत्तर आता है हमारा, 8 आता है, और 35 से 650 में भाग देने पर हमारा उत्तर कितना आता है, 18 आता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। उत्तर हमारा कितना आता है,
10 आता है, यानी 18 माइनस 8 बराबर 10। तो हम इस तरीके से निकालेंगे, इस सवाल को हल करेंगे। काफ़ी छोटी ट्रिक है, बहुत जल्दी सवाल हल करने का एक अच्छा तरीका है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके इसको और एक्सप्लेन करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं।